भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की बैठक के दूसरे दिन राज्य सरकार वाम दलों के निशाने पर रही। माले ने राज्य में आदिवासियों की स्थिति पर न सिर्फ चर्चा की बल्कि यहां तक कहा कि मौजूदा सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना बेईमानी है। माले नेताओं ने आम जनता को गोलबंद होकर जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की बैठक आज दूसरा दिन था। रांची के प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में आज राज्य की मौजूदा सरकार निशाने पर थी। माले के नेताओं ने कहा कि राज्य में सरकार तो बदली लेकिन आदिवासियों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। माले नेताओं ने कहा कि देश भर में आदिवासियों की स्थिति जस की तस है। नेताओं ने देश में हिजाब जैसे विवाद पर भी चर्चा की और कहा कि देश में एक अलग प्रकार की विचारधारा तैयार करने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र पर और संवैधानिक अधिकारों पर एक बहुत ही सोचा समझा हुआ हमला केंद्र सरकार की तरफ से हो ही रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं और कमजोर तबके हैं इसको लेकर के बहुत खास किस्म की, बहुत ही डैमेजिंग किस्म की एक राजनीति हो रही है। महिला सवाल को ले लीजिए तो महिलाओं की भलाई के नाम पर महिलाओं पर ही हमला हो रहा है। मतलब लोग मतलब परेशान हो जाते कि एक ड्रोन आ रही है, सर्वे कर रही है और ये अब तय करेगी कि किसका जमीन किसके पास होना चाहिए। अब जायज रूप है कि सब लोग इसका विरोध करेंगे तो विरोध किए और यहाँ पर जो सरकार उसको रोके, लेकिन हम कह रहे कि ये काफी नहीं है। सरकार को जो एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि किसी भी हालत में हम आदिवासियों को उनकी जमीनों से ये ड्रोन सर्वे के तहत बेदखल हम नहीं कराएंगे। माले पोलित ब्यूरो सदस्य गीता मंडल ने जब बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर मुख्य रूप से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार थी। महिला आयोग में पदों का खाली होने के साथ साथ पोषण सखी महिलाओं का मामला भी उन्होंने विस्तार से उठाया। महिलाओं से काम ले रहा है, स्कीम वर्कर से, मतलब योजना आधारित कर्मचारी के रूप में उनको बहाल करके काम ले रही है। इनके काम के बल पर पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि जन्म मृत्यु दर जो है वो घटा। इसका पुरस्कार किनको मिलता है? केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री को। लेकिन स्वास्थ्य सहिया जो काम करती हैं धरातल पर उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मिड डे मील में आप देख रहे हैं कि मिड डे मील वर्कर में महिलाएं काम कर रही हैं, विद्यालय में खाना बना रही हैं और खाना बनाने से विद्यालय में उपस्थिति बढ़ा, जो बच्चे छिजित हो गए थे उनकी उपस्थिति बढ़ा, लेकिन उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। बहरहाल भाकपा माले की बैठक का कल अंतिम दिन है। अब देखना ये होगा कि माले अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलती है या फिर पार्टी पुराने ढर्रे पर ही चलता नजर आएगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।